यार आज के वीडियो में मैं बनने वाला हूँ एक घोस्ट। अरे भाई तुम लोग सोच रहे होंगे भाई मैं यहाँ पे भूत क्यों बन रहा हूँ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ देर में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं घोस्ट बनने कैसे वाला हूँ। तो यार आज से कुछ टाइम पहले मैं गया था एक जगह ढूंढने, तो वहां पे मुझे एक अजीब सा आदमी दिखा और उसके पास से मैं लेके आया था ये अजीब सी छड़ी। एक मिनट भाई, मैंने कहाँ पे रख दिया था, मैं खुद भूल चुका हूँ। तो भाई ये रहा देखो, ये भाई वाली छड़ी जो मैं उस आदमी से लेके आया था। और वैसे तो मैं चोर के लेके आया था, लेकिन आप किसी को बताना मत। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से इसको रख लेता अपने पास। अरे भाई देखो ये मेरे पास अभी आ चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इससे कैसे घोस्ट बनने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी कहानी। तो इस वीडियो को एंड तक के देखते रहना। और भाई कितनी सही लग रही है यार ये वाली छड़ी। तो भाई देखो मैं यहाँ पे बनने वाला हूँ घोस्ट। और भाई एक मिनट यार, मैं कुछ तो बना हूँ, लेकिन एक मिनट यार मुझे यहाँ पे भूत बना था, मैं तो यहाँ पे ये बन गया परी। अरे भाई इससे वापिस से मुझे एक अच्छा वाला भूत बनना पड़ेगा यार। एक्चुअली ये मुझे अभी अच्छे से यूज करना नहीं आता है, तो मैं इसको सीख रहा हूँ अभी। तो काम करते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे बन जाता हूँ एकदम खतरनाक वाला भूत। ऑलराइट भाई देखो यहाँ पे मैं बन चुका हूँ भाई एकदम खतरनाक वाला भूत। ये क्या है यार, और मेरे ख्याल से ये अभी कोई उसको देख भी नहीं सकता है। और भाई एक मिनट यार, ये देखो मैं यहाँ पे उड़ सकता हूँ। ओ भाई ये कितना सही उड़ रहा है। और यार क्योंकि अब मैं एक भूत हूँ तो शायद मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। और यार एक मिनट, ऐसे खुद खुद के क्यों उड़ रहा है यहाँ पे। और शायद मैं एक चीज और कर सकता हूँ, मैं कोई भी ब्लॉक के आर पार भी जा सकता हूँ। तो भाई काम करते हैं उसको भी एक बार ट्राई करते। देखो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा एक बिल्डिंग, तो मैं आपको दिखाने वाला था यहाँ पे कि कैसे मैं ब्लॉक के आर पार जा सकता हूँ। तो भाई देखो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो अभी इस ब्लॉक के आर पार। ओ भाई यार तुम देख सकते हो भाई कितना सही मैं इस ब्लॉक से बाहर आया हूँ। तो यार भाई अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं इस टाउन में, जो कि बनाया है मेयर ने और अभी कुछ दिन पहले बनाया था, और मैं अभी अभी आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डैश और फ्लिक थे। तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैक स्टोरी क्या थी। तो भाई ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब मैं पहली बार इस टाउन में आया था तो मुझे यहाँ पे डैश और फ्लिक भी मिलते हैं। अरे यार भाई यहाँ पे कोई है क्या? अरे मैं तो घूम रहा हूँ, तू कहाँ से आ गया? अरे भाई ये शहर कब खुला यार यहाँ पे? ये खुला नहीं भाई, ये ओपन हुआ है अभी। भाई क्या फालतू के जोक मार रहा है यार, ये वैसे मेयर का ही होगा। तो भाई यहाँ पे मुझे घर चाहिए भाई, अभी कौन सा घर खाली है? इधर बस झोपड़ा मिलेगा तुझे। तुमको कितना गोल्ड चाहिए तुम बोलो भाई, मैं तुमको हर चीज दूंगा, बस कोई अच्छा सा घर मुझे दे दो। 10 लाख गोल्ड के ब्लॉक चाहिए भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। देखो डर्ट का घर बना के दूंगा मैं इधर पानी के अंदर वो भी। तो भाई मुझे याला घर चाहिए भाई, वो घर मेरा है, कैसे दूंगा तुझे मैं? अरे भाई तू बोलना, बस मुझे घर चाहिए भाई कैसे करके याला। 10 लाख एमराल्ड दे दे बस। अच्छा ठीक है मैं तुझे दे दूंगा बाद में। बाद में नहीं भाई, अभी देना पड़ेगा फिर तुझे रहने दूंगा मैं। बाद में मतलब ये कौन सी बात हुई, घर दे देंगे तुझे पहले पैसे बाद में देंगे, ये कोई बात ही नहीं होती। अरे मैं तुमको एडवांस में दे दूंगा ना, फिर बाकी का देख लेंगे हम लोग बाद में। और फिर उसके बाद जब मैं उन लोग से बात करता हूँ, तो भाई वो लोग मुझसे कुछ अच्छे से बात नहीं कर रहे थे और मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। तो भाई उन लोग का कुछ तो ऐसा सीक्रेट था जो कि वो लोग मुझसे यहाँ पे छुपा रहे थे, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे बनने वाला हूँ घोस्ट। अरे भाई अब क्योंकि मैं घोस्ट हूँ तो मैं आराम से भाई इनके घर के अंदर जा सकता हूँ, और जो भी लोग बातें कर रहे होंगे ये मुझे मालूम चलते रहेगा। तो भाई काम करते मैं जाके देखता हूँ ये लोग अभी कर क्या रहे। और भाई एक मिनट, सामने मुझे कोई तो दिख रहा है। ओ भाई यहाँ पे डैश यार, भाई देखते हैं यहाँ पे कर क्या रहा है। यार भाई ये डैश कर क्या रहा है, और बंदूकें क्यों इसके पास इतनी, भाई ये फौज वॉज में तो नहीं है? और भाई अच्छा यार ये लोग मुझे देख नहीं पा रहा। और भाई एक मिनट यहाँ पे फ्लिक भी आ चुका है। भाई एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ थोड़ा और सामने, और ये लोग कुछ तो बात कर रहे होंगे, तो एक बार मैं सुन के आता हूँ। अरे क्या कर रहा है डैश? भाई मैं अपनी गन्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, अभी निपटाना है उसको। अरे वो बात राहुल को पता तो नहीं चली ना भाई? मालूम नहीं चलनी चाहिए किसी को भी यार, राहुल नया नया बच्चा आया अभी, उसको मालूम नहीं चलना चाहिए। अरे यार हम लोग पूरा लूट जाएंगे भाई, बर्बाद हो जाएंगे राहुल को पता चला तो। भाई यार भाई किसने लूटा लेकिन तुझे? कौन सा बर्बाद हो गया लेगा ना वो यार, अरे कौन लूटने वाला है तेरे को? अरे भाई अब कुछ तो ऐसी बात है भाई जो ये लोग मुझे बहुत टाइम से यहाँ पे ये लोग बता नहीं रहे थे, और हो सकता है कि वो लोग उस जगह पे जाए। अरे भाई मैं काम करता हूँ यहाँ पे कुछ टाइम का इंतजार करता हूँ, और फिर भाई ये लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो फिर मैं इनका पीछा कर सकता हूँ। और भाई इन लोग को कोई आइडिया भी नहीं है कि भाई मैं इन लोग की बातें पूरी सुन सकता हूँ। चल यार देख के आते हैं भाई वो वाली जगह जल्दी। भाई एक काम कर तू देख के, मेरे पास अभी समय नहीं है भाई, अभी स्विमिंग करने का टाइम है, और किसी को अपने साथ मत ले जाना, अकेले जाना। मैं तो अकेले जाऊंगा ना। अरे भाई आखिरकार वो टाइम आ चुका है भाई जहाँ पे मुझे इन लोग का एकदम सीक्रेट वाला बेस देखने को मिलेगा। तो भाई ये तो जस्ट टाउन के पीछे ही है। ओ भाई यहाँ पे फ्लिक कुछ तो तोड़ रहा है। एक मिनट भाई काम करता हूँ मैं भी जाता हूँ धीरे से नीचे, और भाई उसको मालूम तो नहीं चलेगा वैसे भी। और भाई एक मिनट, कुछ तो बनाया है भाई इन लोग ने, बहुत ही अजीब सी जगह है ये। तो काम करता हूँ मैं जल्दी जाता हूँ भाई इसके अंदर, और फिर देखते भाई इन लोग ने क्या किया हुआ था यहाँ पे। अरे भाई बस मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे नीचे, और यार मेरे सामने में यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्लिक। और भाई एक मिनट यहाँ पे एक चेस्ट भी है, इसी के अंदर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं अभी तो नहीं खोल पाऊंगा। भाई ये तो मेरा माल इधर रखा हुआ है, और क्या बात भाई, खुशी मिल जाती है इसको देख के एकदम। और ये तो भाई देखो कितना ज्यादा अमीर हूं मैं, लेकिन यार कोई राक्षस देखना ले इधर फालतू में, पता चल रहा राहुल आ गया तो भाई गलत हो जाएगा। और एक मिनट ये क्या है? चलो कुछ नहीं यार, मुझे कोई वहम हुआ था शायद भाई, मुझे कुछ तो सफेद कलर का दिखा था भाई, कोई भूत जैसा, पता नहीं क्या हुआ इधर। चलो यार वापस ऊपर चलते हैं, देख तो लिया मैंने और ये सेफ है एकदम। चलो भाई अच्छा हो यार ये फ्लिक जा चुका है, और भाई इसको मैं कैसे दिख सकता हूँ भाई, कुछ भी बोल रहा है। तो भाई काम करते इसको जाने देते पूरा आगे। और भाई अब मैं देखता हूँ यहाँ पे आखिर में था क्या इसके पास। एक मिनट, ओ भाई बहुत सारे डायमंड है यार यहाँ पे, और वैसे भी अब मुझे इन लोग को बहुत सारा डायमंड यहाँ पे उस घर के लिए पे करना था। और भाई एक मिनट यहाँ पे इतने सारे फूल क्यों है भाई, ये फ्लिक कर क्या रहा है फूल का?
भाई क्या पता कहीं इनको बेच तो नहीं रहा होगा। तो काम करते हैं यहाँ से मैं उठा लेता हूँ भाई ये पूरे डायमंड, और अभी यहाँ पे इनको लगने वाला है भाई बहुत गंदा वाला शौक। तो भाई ये देखो पूरे पूरे डायमंड आ चुके हैं यार। तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ, और यार भाई मैं आखिरकार लेके आ चुका हूँ पूरे डायमंड जो भी इन लोग के पास थे। तो भाई एक काम करता हूँ उससे पहले कि ये लोग मुझे देख ले मैं जल्दी से अपने घर के अंदर जाता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई कि हम लोग के पास कितना डायमंड आ चुका है। और यार भाई यहाँ पे हम लोग के पास 9 स्टैक हो चुके हैं डायमंड के। अरे राहुल कहाँ पर है भाई, उसने अभी तक के पैसे नहीं दिया हमें हमारे घर के। बुला बुला साले को, पकड़ो पकड़ो भाई उसको, उसको फांसी देना पड़ेगा। अरे भाई क्या हो गया भाई, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ पे हो तुम लोग भाई, सुअर की मौत दो इसको, कहाँ है तू, इधर आ जल्दी। अरे भाई क्या हो गया, और भाई एक मिनट ये घर कौन तोड़ दिया इधर बिल्डिंग। भाई अटैक हुआ था हमारे ऊपर टेररिस्ट का, ला पैसे ला यार घर के जल्दी, और ये देख तेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मार रहा उसको मैं। अरे भाई ये क्या कर रहे तुम लोग, भाई मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। अरे भाई ये लो मैं यहाँ पे कुछ डायमंड बहुत टाइम से माइन कर रहा था, तो काम करो ये तुम लोग रख लो भाई यहाँ पे, और ये पूरे 9 स्टैक है भाई। 9 स्टैक कहाँ से ला लिया यार, डायमंड तो मुझे जाने पहचाने लग रहे फ्लिक। भाई जाने पहचाने कैसे हो सकते भाई, मैं पिछले 8-10 दिन से माइन कर रहा हूँ भाई, तब जाके इतने हुए। तो भाई देखो मैं जा रहा हूँ अभी, यहाँ पे रात को बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं, तो भाई मैं इन लोग से मरना नहीं चाहता। तो भाई अब तुम लोग को और कितना पे करना है बस तुम लोग मुझे एक बार ये बता दो। 90,000 डायमंड और। चलो भाई वो भी मैं लेके आ जाऊंगा, तो उसके लिए बस मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, ठीक है। और यार भाई मैंने इन लोग का क्या बेवकूफ बनाया यार, और अभी इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं कि ये इनका ही है डायमंड, और अगर इनको मालूम ही चलता है तो भाई इन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। और यार भाई मुझे एक चीज और पता है कि इन लोगों का एक और बेस होगा जहाँ पे इन लोग ने बहुत कुछ रखा होगा, तो बस यार मुझे कैसे भी करके भाई वो एक बार ढूंढना है। और यार ये फ्लिक पता नहीं रात भर कौन सा काम कर रहा है। और यार भाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सो रहा हूँ जल्दी से, और फिर नेक्स्ट डे पे मैं इन लोग का पता करूंगा कि ये लोग कौन सी और जगह पे अपना इन लोग ने सामान रखे हुए छुपा के एकदम। और यार भाई अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से वापस से बन जाता हूँ यहाँ पे घोस्ट, और फिर मैं जाता हूँ और इन लोगों की बात सुनता हूँ। और यार भाई ये मुझे लग रहा है कि इनका कोई ना कोई और बेस होगा भाई जहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ रखे होंगे। और पता नहीं यार बैकग्राउंड से इतनी तोड़फोड़ की आवाज क्यों आ रही भाई, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चेंज हो रहा हूँ भाई घोस्ट में, और भाई यहाँ पे मैं बन चुका घोस्ट। तो एक काम करते हैं भाई मैं जाता हूँ जल्दी से इनके पास, और भाई देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं अभी। और भाई ये यहाँ पे कौन सा बॉम्ब फोड़ रहा है भाई, यहाँ पे क्या वैलोरेंट खेल रहा है क्या? ओ भाई ये क्या कर रहे हैं यार ये लोग, भाई अपनी जगह को तोड़ रहे ठीक कर रहे। और यार भाई अभी काम करते ये दोनों एक साथ है, तो भाई कुछ ना कुछ तो बात कर रहे होंगे। तू देख के आया था ना वहाँ पर सब सेफ है कि नहीं? वो तो मैंने कल देखा था ना भाई तेरे सामने, तो क्या था भाई सेफ था सब कुछ। मैं अच्छे देखा था ना आँख खोल के? नहीं नहीं आंखें बंद करके भी देखा था भाई, लेकिन देखा था आंख बंद करके देखा था, तो भाई हो सकता है वहाँ पे चोरी हो गई हो। अरे यार तूने अपना बेस देखा कि नहीं? एक काम करता है अपना बेस नहीं है भाई, वो सबसे कीमती वाला बेस है। एक काम करता हूँ मैं वो देख के आता हूँ, तू इधर चुपचाप बैठ। तूने देख के मैं टाइम पास करता हूँ, मैंने तेरा वाला नहीं देखा था यार, जल्दी जा देख क्या। ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई। ये कैसे कैसे काम करता है, एक काम करता हूँ मैं अपने मोटर बोट से आता हूँ भाई, बहुत पैसा है मेरे पास। अरे भाई जो मेरा शक था वो एकदम सही निकला भाई, इन लोग के पास एक और बेस है, और भाई इसमें तो ये लोग बोल रहे कि और भी खतरनाक वाला माल है वहाँ पे, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी। और भाई एक मिनट इसने तो अपना बोट भी निकाल दिया है, तो भाई काम करता हूँ मैं इसको करता हूँ भाई फॉलो, ये जा कहाँ रहा है? मेरा पीछा नहीं कर पाएगा भाई, इतना तेज निकलूंगा मैं यार, ये तो बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है यार। तो भाई देखते ये जा कहाँ पे रहा है। अरे भाई एक मिनट यार ये तो वापस से गोल घूम के आ गया यार, ये क्या कर रहा है भाई? और एक मिनट गोल गोल क्यों घूम रहा है पानी में? और एक मिनट यहाँ पे ड्रैगन कहाँ से आ गया भाई, ये वर्ल्ड में चल क्या रहा है भाई, ये लोग कर क्या रहा है? तो भाई एक मिनट यहाँ पे उतर चुका है, और ये भाई ये ड्रैगन को मार रहा है, इसको लगा तो नहीं। और यार ये तो वापस से आ गया गोल घूम के भाई, इन लोग की बात तो कुछ और चल रही थी, और ये तो सिर्फ एक जगह गोल घूम के आ गया। अच्छा यहाँ पे इन लोग ने बैंक भी बनाया हुआ है। और यार एक मिनट ये डैश यहाँ पे बात कर रहा है भाई बंदे से, ये शायद इस बैंक में काम करता है। और भाई इन लोग ने क्या बैंक में रखेगा भाई अपना सामान? यार एक मिनट कुछ तो बात कर रहा है भाई, देखते हैं काम करते हुए मैं भी जाता हूँ अंदर। भाई एक मिनट यार ये अंदर ही नहीं जाने दे रहा भाई, ये क्या है? और एक मिनट ये डैश के अंदर जा चुका है, तो भाई देखो मैं तो वैसे भी जगह से अंदर जा सकता हूँ। एक मिनट यार मैं आर पार क्यों नहीं हो पा रहा? ओ भाई देखो यहाँ से हो गया आर पार। तो भाई देखो मैं घुस चुका हूँ इस बैंक के अंदर, और भाई एक मिनट अब मुझे कैसे भी करके डैश को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई एक मिनट ये डैश कहीं पे जा रहा है, और यार भाई मैं तो यहाँ पे एकदम आर पार हो सकता हूँ। भाई एक मिनट आर पार क्यों नहीं हो पा रहा मैं? ओ भाई देखो यहाँ पे आर पार हो चुका हूँ। भाई एक मिनट भाई यहाँ पे तो एकदम सीक्रेट सा बेस है, और भाई ये कुछ तो कर रहा है डैश यहाँ पे। और एक मिनट इसके हाथ में मुझे एक ब्रीफ केस भी दिख रहा है, तो भाई काम करता हूँ मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसके पीछे जाता हूँ भाई। और भाई देखो यहाँ पे डैश जा रहा है नीचे, और भाई ये बार बार देख क्या रहा है एकदम इधर टॉप में, और भाई शायद देख रहा होगा कि कोई इसको फॉलो तो नहीं कर रहा। तो भाई देखो ओ भाई ये क्या है भाई, इतना सारा डायमंड! ओ भाई इसका मतलब यहाँ पे तो ये लोग पूरा डायमंड की माइनिंग वाइनिंग करते हैं। यहाँ पे एक चेस्ट भी है। ओ भाई एक मिनट यहाँ पे एक चेस्ट भी है यार। और एक मिनट डैश के हाथ में मुझे एक ब्रीफ केस भी दिख रहा था, तो भाई देखते इससे क्या कर रहा है यार। इस बार बहुत सारे डायमंड हो चुके, तो एक काम करता हूँ ब्रीफ केस में लेके चलता हूँ पूरे डायमंड को। ओ भाई जो मुझे लग रहा था ये बिल्कुल सही था, यहाँ पे लोग प्रॉपर माइनिंग करते हो भाई, इनको ये माइन मिला कहाँ से? और भाई वो भी बैंक के नीचे, और इसका मतलब वो जो बंदा था वो भी इनके साथ मिला हुआ है भाई। लोग बैंक के नीचे भाई ये कौन सा काला काम कर रहे हैं यहाँ पे? ओ भाई ये तो बहुत अंदर तक के भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यार अब मैं बस यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि कब यहाँ से डैश जाए, और भाई मैं ये पूरा यहाँ पे माइन कर लूंगा, और फिर मैं इनको दे दूंगा। और भाई इतना माइन करने के बाद तो इन लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अरे यार फ्लिक डरपोक को देखो, उसको भूत दिखाता है यहाँ पर भाई। कौन सा भूत है और कुछ नहीं है भाई, इनको भूत के बारे में कहाँ से पता चल रहा है भाई? यहाँ पे क्या और कोई भूत भी है क्या? क्या पता भाई यहाँ पे कोई असली वाला भूत तो नहीं है। तो भाई जान दो अभी इसको। तो काम करता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे पहले खोलता हूँ वाला चेस्ट। और भाई एक मिनट ये क्या है भाई, इतने सारे ब्लॉक्स, और यहाँ पे आयरन की पिकेक्स भी है। तो काम करता हूँ भाई, इतने ब्लॉक से तो कुछ होगा नहीं वैसे, तो मैं काम करता हूँ ये पूरे ब्लॉक्स
तो पहले यहाँ पे रख लेता हूँ। यार वो पूरा का पूरा एक ब्रीफकेस भर के गया भाई डैश, तो यार यहाँ पे और कितना होगा एक बार सोचो तुम लोग। और यार भाई अब मैं इसको पूरा यहाँ पे माइन करने वाला हूँ। और इन्होंने यहाँ पे एक पिकेक्स भी रखा हुआ था। और यार भाई क्या पता जो बंदा हमको टॉप में दिखा था वही तो नहीं करता है पूरी माइनिंग, तो काम करता हूँ उससे पहले कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी आ जाए मैं जल्दी से यहाँ पे पूरा माइन करना चालू करता हूँ। यार यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा डायमंड है। और यार भाई यहाँ पे मुझे भी नहीं पता मैं कितने दिन से माइनिंग कर रहा था। और भाई तुम मेरी एक्सपी भी देख सकते हो कितनी बढ़ चुकी है। तो भाई अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि भाई मैंने कितना माइन किया हुआ है। यार ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी मेरी इन्वेंट्री भर चुकी है, बस यहाँ पे मैंने 6 ब्लॉक और बाकी थे। तो भाई काम करता हूँ मैं इन सबको लेके जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ और इनको पूरा ये पैसा दे दूंगा। और इसमें से भाई बहुत सारा तो मेरे पास भी बच जाएगा। तो एक काम करते हैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ और भाई कहीं उनको शक ना हो जाए और मैं बहुत दिन से गायब था तो जल्दी से जाके उनसे बात करता हूँ पहले। यार भाई देखो मैं यहाँ से बाहर तो आ चुका और यहाँ पे नेक्स्ट डे भी हो चुका है और भाई मुझे नहीं पता कितने दिन हुए। और एक मिनट भाई ये कौन सी इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है यार। मेयर का पूरा टाउन हॉल यहाँ पे टूट चुका है यार, पेट्रोल पंप गया यार, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं भाई, कहीं इन लोग ने तो तोड़फोड़ नहीं किया। अरे भाई मैं क्या करता हूँ मैं जाता हूँ जल्दी से अपने घर पे और मैं नॉर्मल वाले फॉर्म में आता हूँ और फिर मैं इन लोग से बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था। अरे भाई देखो मैं नॉर्मल वाले फॉर्म में आ चुका हूँ तो भाई काम करता हूँ मैं इन लोग से जाके बात करता हूँ। अरे यार फ्लिक भाई यहाँ पे क्या हुआ था यार इतनी गंदी तोड़फोड़। यहाँ पे भाई भूकंप आया था कल रात को, तू क्या कर रहा था? अरे तो भाई मैं तो था ही नहीं ना घर पे। अरे भाई तू फालतू की बातें छोड़, ये हमारे पैसे कब देगा वो बता। अरे तो भाई मैं वही चीज के लिए तो आया हूँ तुम लोग के पास। भाई मैं पिछले बहुत टाइम से काम कर रहा था, बहुत टाइम से मैंने माइनिंग किया हूँ और भाई यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक हो चुके हैं डायमंड के। तो भाई देखो मैं तुमको फेंक रहा हूँ, ये लो भाई बहुत है मेरे पास। भाई ये कैसे ला लिया तूने? ये क्या माइन करके लाया तूने? भाई मैं पिछले एक हफ्ते से माइन कर रहा हूँ यार। अरे भाई क्या बात कर रहे हो भाई, तुम लोग भी भूल चुके हो गए भाई मैं बहुत हफ्ते से यहीं पे हूँ। ये लो भाई बाकी का भी तुम रख लो अपने पास। और देखो भाई हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है। नहीं अभी बचे है 4 एमराल्ड के ब्लॉक बचे हैं। भाई 4 एमराल्ड के ब्लॉक कहाँ से लेके आओ भाई, रहने दो अभी वो। तो भाई काम करो मैं चल रहा हूँ भाई, आज के बाद से ये मेरा घर हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना, हट जाओ यहाँ से। भाई इसलिए तुम्हें मेरा घर था, हमारा घर था ही नहीं, हम पैसे लेके भाग रहे हैं। भाग 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 जल्दी भाग भाग फ्लिक जल्दी। अरे यार भाई इन लोग को इतना भी नहीं पता भाई, ये लोग लूट चुके हैं, चाहे कुछ भी हो मैंने इनको पैसा तो दे दिया है। और यार भाई इन लोग को बांटने के बाद भी भाई मेरे पास इतना सारा है देखो एक बारी। और भाई यहाँ पे तो पूरा हो चुका है सेट, बस इनको कैसे करके शक नहीं होना चाहिए। और यार भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं और यार इनको अभी तक के तो कोई शक नहीं हुआ है कि इनका पैसा पूरा गायब हो चुका है, तो यार इनको कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। और यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इन लोग के पास एक और कोई ऐसा बेस हो जो कि मुझे नहीं पता अभी भी। तो एक काम करता हूँ मैं एक बार और जाता हूँ भाई इनके पास गोस्ट बन के और फिर देखते भाई और कोई जगह मिलती है क्या। अरे भाई अब देखो मैं वापस यहाँ पे गोस्ट बन चुका हूँ और यार भाई ये लोग मुझे मेरे सामने दिख रहे हैं। और भाई एक मिनट ये लोग शायद मेयर का घर यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, तो काम करता हूँ मैं जाता हूँ इन लोग के पास, देखते भाई ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। यार एक जमाने पहले यहाँ पे मेयर का घर हुआ करता था भाई, किधर चले गया वो? भाई वो नहीं रहा, पता नहीं मेयर भी रहा कि नहीं, पता नहीं बहुत दिन हो गए उसको देखे हुए। मेयर तो भाई बीवी बच्चों के साथ में ऐश कर रहा है। भाई मेयर के बच्चे भी भाई आज मालूम चल रहे मुझे। और भाई ये लोग इस घर को शायद ठीक कर रहे हैं। चल यार डैश देख के आते भाई अपना माल पानी ठीक है कि नहीं। भाई मैं तो वही सोच रहा था, मैं तो जा भी रहा हूँ, चल जल्दी है मेरे पीछे। अरे भाई बैंक का किसी को पता नहीं है लोकेशन, वो और वो का है भाई वो बंदा जिसको अपन ने बनाए थे एम्प्लॉय। भाई वो पता नहीं होगा भाई इधर किधर गांजा फूक रहा होगा। अरे भाई एक मिनट यार शिट, अब तो इनको मालूम चल जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी जाता हूँ अपने घर पे। यार मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, इनको मालूम चल जाएगा तो भाई इनका जो पहला शक बस एक इंसान के ऊपर होगा वो मैं। और अगर मैं एक बार मर जाऊंगा तो भाई फिर तो मैं आराम से गोस्ट बन के घूम पाऊंगा। अरे भाई इन लोग का शक भी नहीं होगा भाई। अरे भाई देखो मैं वापस से नॉर्मल वाले फॉर्म में आ चुका हूँ और यार एक काम करता हूँ उससे पहले कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ मैं यहाँ पे जल्दी से अपना पूरा सामान रख देता हूँ, ये वाली चेस्ट में रख देता हूँ जल्दी से ये पूरा जो है डायमंड के ब्लॉक्स। और फिर अभी तुम लोग सोच रहे हो भाई इन लोग को मालूम चल जाएगा, तो देखो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ ये जो बुक शेल्फ है। और जैसे मैं यहाँ पे रख दूंगा बुक शेल्फ और उनको मालूम नहीं चलेगा कि भाई इसके पीछे भी एक चेस्ट हो सकता है। और भाई अगर तुम लोग सोचे हो कि भाई मैं खुद यहाँ पे मरने वाला हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, अगर मैं ही मर गया तो फिर क्या फायदा होगा। तो भाई देखो यहाँ पे मैं लेके आया था एक सुअर को पकड़ के और यार अब मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ एनविल। और देखो यहाँ पे मेरे पास एक नेम टैग है तो इस पे मैं दे दूंगा भाई अपना वाला नाम और फिर जैसे मैं इसको मारूंगा तो इन लोग को मालूम चल जाएगा कि भाई मैं मर चुका हूँ, तो भाई फिर इनको कोई शक भी नहीं होगा और फिर मैं आराम से गोस्ट बन के यहाँ घूमते रहूंगा। और भाई देखो यहाँ पे बन चुका है मेरे नाम का टैग, तो क्या करता भाई जल्दी से मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। और भाई एक मिनट भाग कर आइए, तो भाई देखो आज से सुअर का नाम बन चुका है राहुल इज रेड, तो क्या करता हूँ जल्दी से मैं इसको निपटा देता हूँ यहाँ पे। और भाई अब उन लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं मर चुका हूँ। अरे भाई एक मिनट वो लोग बैंक के बाहर आ रहे हैं। अबे यार तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है डैश? अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। अबे किधर गए पैसे पूरे? वही तो यार मैं सोचा था पेड़ के ऊपर रखाऊंगा तूने, लेकिन वहां पर भी नहीं है। और यार तुझे भी मैसेज आया था क्या वो राहुल के मरने का? हाँ राहुल मर गया, वो छोड़ना हमारे पैसे, एक मिनट राहुल हमारे पैसे लेके निपट तो नहीं गया? अरे तो पैसे लेके क्यों मरा भाई, मर रही था तो मुझे क्या पता। और यार भाई एक चीज बहुत अच्छी होगी कि इनको लग रहा है कि मैं मर चुका हूँ, तो भाई अब ये लोग वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, तो काम करता हूँ मैं जल्दी से बन जाता हूँ गोस्ट उससे पहले कि वो लोग यहाँ पे आ जाए। चल यार इसके घर में आके देखते हैं। मैं ना छत पे पहुंच चुका उसके, और क्या भाई घर पे हो सकता है उसके? भाई यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट तो खाली है पूरा भाई, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ इन लोगों को कोई शक नहीं हुआ यहाँ पे, तो मैं आराम से घूम सकता यार भाई उसकी लाश ढूंढ। और यार भाई अब वैसे भी इन लोगों को मेरी कोई लाश वाश तो मिलने नहीं वाली, तो देखो मैं वैसे भी यहाँ पे जिंदा हूँ। तो भाई देखो अब क्या, अब जो भी था पैसा वो मुझे पता है कहाँ पे, तो मैं आराम से भाई ऐश कर सकता हूँ पूरा। यार फ्लिक हम
लोग लूट चुके हैं भाई, बर्बाद हो गए, पैसे कहाँ गए हमारे भाई, अब क्या करेंगे? अब अपन भी मर जाते। चल भाई रुक जा, मेरा एक काम बचा हुआ है। क्या बचा है भाई? दो तीन लोगों को निपटा के निपटूंगा मैं भी। अरे भाई देखो, अब तो मैं यहाँ पे पूरा घोस्ट बन चुका और इन लोगों को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। तो भाई काम करते ना, अब मैं इनके ऊपर करने वाला असली वाला प्रैंक। तो देखो मैं यहाँ पे लेके आया कुछ TNT और भाई अब मैं इनको बताऊंगा कि भाई असलियत में जब भूत आता है तो क्या होता है। तो काम करते मैं जाता हूं। और भाई एक मिनट, ये भाई डैश कहाँ पे सो रहा है? भाई मान तो इन लोगों के पास पैसे नहीं, लेकिन भाई कहीं पे भी सोएगा क्या? और फ्लिक भी भाई मुझे दिख रहा है। तो काम करते पहले मैं जाता हूँ फ्लिक के रूम में। और भाई देखो यहाँ पे तो फ्लिक सो चुका है। तो काम करते मैं जाता हूँ भाई। और एक मिनट भाई, ये तो भाई बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ है। तो काम करते मैं जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ ये वाला TNT। और भाई काम करते यहाँ पे मैं जल्दी से रख लेता हूँ ये वाला TNT, इसको मैं फोड़ता हूँ यहाँ पे। अबे 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 ये क्या हो गया? अरे डैश किधर है तू? ये क्या हो गया? बम फूट गया भाई, तू सोया हुआ है? भाई किधर किधर बम फूटा भाई? इसलिए ऊपर सोया था भाई। ये भाई घर टूट गया तेरा सही में? नहीं तो भाई तुझे क्या मजाक लग रहा है ये? अरे मुझे सपना जैसा लग रहा है भाई, हम इतना गंदा लूट चुके हैं, तुझे घर की पड़ी है यार। फ्लिक ये कहीं राहुल का भूत तो नहीं है? राहुल का भूत? भाई भूत बन के आया होगा ना। क्या बात कर रहा है राहुल का भूत? अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ अब, ये कैसे हो सकता है? लेकिन भाई जा कर रहा है गद्दारी कौर पे क्या? अरे यार ये एकदम से बारिश कहाँ से चालू हो गई? भाई पता नहीं यार क्या हो रहा है। एक मिनट भाई, राहुल घर से देख स्वर की सीढ़ी चालू हो गई है। यार मैं स्वर की सीढ़ियां बना रहा हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं, अभी मुझे अपने पैसे लेने जाना है वापस। तूने कितनी मुर्गी खाया भाई, सबका बेड बना दिया क्या? भाई मुर्गी तो तूने खाया था, मैं तो सिर्फ पंख लेके आया था उसका। ओ भाई एक मिनट, ये मेरे घर में कौन आया? भाई कहीं यमराज तो नहीं है? कहीं उसको ये तो नहीं मालूम चल गया कि मैं तो नकली में मारा था? या फिर हो सकता है कि भाई ये और कोई घोस्ट भी हो? यार ये तो पूरा आर पार हो रहा है पूरे ब्लॉक्स के, जैसे मैं हो सकता हूँ। तो भाई काम करता हूँ मैं जाता हूँ उसके पास और भाई देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। ओ भाई एक मिनट, क्या फेंक रहा है ये? भाई कुछ तो क्रॉस साइन फेंक रहा है यार, ये तो अलग ही पागल है। ओ भाई शिट भाई इसको खत्म करता। ओ भाई क्या चिल्लाया इसने यार, अब इसकी सोल भी मेरे पास आ गई। और भाई एक मिनट, डैश और फ्लिक ने अभी तक कुछ देखे नहीं क्या इस सबको? भाई अच्छा इन लोग ने नहीं देखे, वरना तो ये लोग पूरा शहर ही छोड़ के भाग गए होते। अरे भाई एक मिनट भाई, वो कौन सा असली वाला भूत आ गया था? तो भाई यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इनको और भी गंदा वाला प्रैंक करूं, और अरे भाई ये लोग यहाँ पे पूरा रो दे, इसके लिए अगर तुम बोलोगे तो भाई मैं इसका पार्ट 2 भी कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।